हेलो। सो आज हम बात करेंगे अबाउट एडिटिंग रेड फुटेज। तो इस सीजन की शुरुआत में हमने बात करी थी कि क्यों हमें सिनेमा कैमरा यूज करना चाहिए, एंड अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दैट एपिसोड। लेकिन अगर हम सिनेमा कैमरा यूज करते हैं तो उसकी जो फुटेजेस हैं, क्या हम उसको वैसे ही एडिट कर सकते हैं जैसे हम हमारे DSLR की फुटेज को एडिट करते हैं? सो इट्स अ बिग क्वेश्चन, क्योंकि जो सिनेमा कैमराज की फुटेजेस रहती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं, स्पेशली वो 4K रहती है। सो अगेन इट्स अ बिग डील, तो लेकिन उसकी प्रोसेस क्या रहती है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स डाइव इन। ओके, सो अब हम प्रीमियर प्रो में हैं और प्रीमियर प्रो में सबसे पहले तो देखते हैं कि रेड फुटेज दिखती कैसे। सो रेड फुटेजेस, सो दीज आर द रेड फुटेजेस जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त ने अपने एक एड फिल्म के लिए शूट करी थी डिजिटल इंडिया के लिए। नाउ इफ यू क्लोजली सी, आपको ये सारी फुटेजेस ऐसे दिखती हैं, वेर एज कंपेरेटिव टू DSLR, लाइक DSLR की फुटेजेस आपको ऐसी दिखती हैं। सो इफ यू सी, सो दीज आर द फुटेजेस ऑफ DSLR एंड दीज आर द फुटेजेस ऑफ रेड। नाउ पता कैसे चले कि कौन सी फाइल कैसी है? सो जब आप प्रीमियर प्रो ओपन करते हैं, सबसे पहले विल ओपन प्रीमियर प्रो विच इज द लेटेस्ट वर्जन। बाई डिफॉल्ट प्रीमियर प्रो में आपको रेड कंपैटिबल फुटेजेस का ऑप्शन है और जो प्लगइन्स हैं वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। अगर आप फाइनल कट में हैं तो आपको जो 10.4 ऑनवर्ड्स उसमें भी प्लगइन्स हैं, लेकिन अगर उससे पहले वाला वर्जन है तो आपको उसके लिए प्लगइन डाउनलोड करने पड़ेंगे रेड की वेबसाइट से। लेकिन प्रीमियर प्रो में ये फैसिलिटी है। सो अभी मैं इस वक्त प्रीमियर प्रो में हूँ, एंड हाउ टू इम्पोर्ट। सो इफ आई गो टू इम्पोर्ट एंड आई गो टू रेड फुटेजेस, सो अगेन दिस लुक्स लाइक दैट। आपको कोई प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। सो हाउ वी विल डू इट, तो हम कैसे करें? सो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम प्रीमियर प्रो का जो प्रोजेक्ट है उसमें आए, उसके पास में आपको एक मीडिया ब्राउज़र दिखेगा, एंड इन मीडिया ब्राउज़र यू विल रियलाइज रेड फुटेजेस। एंड जैसे ही मैंने रेड फुटेज पे क्लिक किया है, जो बेसिकली मेरा वो फोल्डर है जिसमें मेरी फुटेजेस थी, आई एम नाउ इमेजिन कि ये फुटेजेस यहाँ पर ऐसी दिख रही थी फोल्डर वाइज, और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर उसके सारे प्रीव्यू दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप इसको डबल क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और ये आपके जो सोर्स फुटेजेस हैं उसमें दिखेगा भी आपको, और इनफैक्ट आप उसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं कि आपकी फुटेजेस कैसी आ रही हैं। सी, इट्स इंटरेस्टिंग। आप इसको रेजोल्यूशन कम करके प्ले करके भी देख सकते हैं। सो या, सो अब सवाल ये उठता है कि हम इसको इंपोर्ट कैसे करें। सो आप सबको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, एंड देन डू द इंपोर्ट। नाउ वंस इंपोर्ट इज डन, आपकी फुटेज जो है आपके मीडिया ब्राउज़र में आ जाएगी, और मीडिया ब्राउज़र से प्रोजेक्ट बिन में आ जाएगी, और प्रोजेक्ट बिन से फिर वैसे ही वर्क फ्लो होगा जैसे आप अपने DSLR को कर सकते हैं। सो दैट इज स्टेप वन। सो इट्स वेरी इजी, मीडिया ब्राउज़र, रेड फुटेजेस या जो भी आपका फोल्डर हो उसे करें इंपोर्ट, एंड यू आर डन। सो आपकी फुटेज जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। देन अगेन आप उसको प्रीव्यू कर सकते हैं जो आपके सोर्स फुटेज में, सोर्स विंडो में दिख रहा है। अब अगेन आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं इंटरप्रेट फुटेज करके, आप इसकी फ्रेम्स रेट्स और उसकी बाकी डिटेल भी देख सकें। अगर आपको इसको किसी चीज फ्रेम रेट में चेंज करना है तो आप उसको कर सकते हैं, जस्ट एज योर DSLR वर्क फ्लो, ये बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। और प्लस आपका थंबनेल जनरेट कर सकते हैं आप
जनरेट हो जाते हैं और आपका ऑडियो है कि नहीं है उसमें ये भी दिख जाता है, लाइक दिस थिंग हैज़ ऑडियो. अब जब मैं इसको उठा के इस फुटेज को मेरे ड्रैग टाइमलाइन में डालता हूँ, तो ये मेरी जो टाइमलाइन है अगर मैं इसको देखता हूँ तो सीक्वेंस सेटिंग वही है. ये बेसिकली 4K फाइल है और इसलिए इसका रिजोल्यूशन प्लस इसका फ्रेम रेट के हिसाब से उसने इसको कर दिया है. प्रीव्यू जो है वो आपके HD में जनरेट करेगा, विच इज़ एक्चुअली नॉट कम्प्लीट HD रिजोल्यूशन, एंड देन यू कैन डू इट. सो दिस वॉज फर्स्ट स्टेप. लेकिन इस रेड फुटेज के एडवांटेजेस क्या हैं? इस रेड फुटेज के एडवांटेजेस ये हैं कि आप इसमें कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं. और जब मैं इस फुटेज के इफेक्ट कंट्रोल पे जाता हूँ तो मुझे नॉर्मली जो मेरे स्केलिंग एंड रोटेशन एंड ऑल दैट ऑप्शंस मुझे मिलते हैं तो मैं सेट कर देता हूँ. इसके साथ में बगल में आपको देखिएगा एक मास्टर .r3d का जो फाइल का नाम है प्लस उस .r3d का एक्सटेंशन आपको मिलेगा. आप इस पर जब क्लिक करेंगे सो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द रॉ. और ये हाईलाइट है आपके रेड फुटेज की. अगर आप रेड को एडिट सिर्फ नॉर्मली एडिट कर रहे हैं तो वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं इसका ISO, आई मीन आप यहाँ पर देखेंगे यू विल रियलाइज यू विल गेट द ब्राइटनेस, यू विल गेट एक्सपोजर, यू विल गेट एवरीथिंग जो आप बिल्कुल फोटोशॉप हो गया आपका. और आप इसको बिल्कुल वैसे ही यूज़ कर सकते हैं जैसे फ़ोटोशॉप को आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे ही मेरी एक्सपोजर कम है तो मैं वन स्टॉप एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ. रेड का कलर अगर ज़्यादा है तो मैं उसको कम कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, व्हाटएवर. एंड अगेन रीसेट कर इसके सारे ऑप्शंस दिए गए. कौन से लाइक हम रैक 709 पे यूज़ करते हैं जो हमारा ब्रॉडकास्ट है, तो कलर स्पेस हम उसको यूज़ कर सकते हैं. कलर वर्जन लॉग ये बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें देती हैं. इसके साथ ही आपका ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन है. अगर आपका वाइट बैलेंस का प्रॉब्लम है तो आप उसके वाइट बैलेंस को यूज़ कर सकते हैं. एस शॉट ले सकते हैं या जो डिफ़ॉल्ट आपका है वो आप लिख सकते हैं. देन यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस. इनफैक्ट ISO आप इसका बढ़ा सकते हैं. अभी इसका ISO जो शॉट था वो 300 पे था, अब आप इसको 800 पे कर सकते हैं या 500 पे कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट ऑफ कलर ग्रेडिंग. ना केवल ये, लेकिन जब आप इसको प्रीमियर के कलर टैब में जाते हैं और बेसिक कलर करेक्शन पे आप LUT अप्लाई कर सकते हैं. तो जैसे ही मैं इस पर LUT अप्लाई करता हूँ, इट चेंजेस बिग टाइम. सो इसका रिजोल्यूशन ऐसा हमें मिलता है. प्लस एट द सेम टाइम चूंकि मेरे पास रॉ की इंफॉर्मेशन है सो मैं उस इंफॉर्मेशन को भी चेंज कर सकता हूँ. यहाँ पर मुझे ग्रीन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, सो आई कैन चेंज द ग्रीन पार्ट. ओ कुछ ज़्यादा ही ग्रीन हो गया. ओ बाय द वे आई हैव कर्व्स एज वेल, सो उस कर्व का भी मैं यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ. एंड मेबी लिटिल मेबी टू मच या. सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ रेड. सो अगर आप रेड फुटेजेस को यूज़ करना चाह रहे हैं, एंड बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही चलेंगी जैसे आप अपने DSLR की फुटेजेस कैट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं. नहीं भी इंटरेस्टेड हैं तभी आप उनको भेज सकते हैं. And we will see you next time.